हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फोर एडिशन पे। जैसा कि आपको पता है, डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर की क्लासेस पे लगातार चल रही है। हमने टॉपिक उठाया था रेडियोग्राफी के बारे में। रेडियोग्राफी में हमने चीजें जानी थी कि रेडिएशन से एक्सरे कैसे बन रहा है, वहां तक की जो बीच की प्रोसेस थी उसमें हमने काफी इंस्ट्रूमेंट जाने, जैसे कि हमने कॉलिमीटर हुआ, आपके फिल्ट्रेशन, एक्सरे फिल्म, एक्सरे कैसेट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फिल्टर के बारे में कि जो एक्सरे बनी है उसको फिल्टर करके उसको जो हमें काम की रेडिएशन है वो निकाल कर उसको यूज लेना। आज हम पढ़ेंगे कॉलिमीटर। कॉलिमीटर क्या चीज होती है हमारी रेडियोग्राफी के अंदर? अब देखो, आपके एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब में से कैथोड से इलेक्ट्रॉन गया एनोड की तरफ, एनोड से इंट्रेक्शन के बाद एक्सरे प्रोड्यूस हुई, एक्सरे निकलेंगी, ठीक है। एक्सरे सारी डायरेक्शन में निकलेगी एक एंगल से उस बीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें केवल इस पार्ट का एक्सरे चाहिए, हाथ का, हैंड में भी केवल हमें इस बोन का, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, केवल इस फिंगर का हमें एक्सरे चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इस जगह भी रेडिएशन देंगे। हमें ये पता है एक्सरे इज हार्मफुल फॉर आवर सेल्स, ठीक है, हमारी सेल्स कोशिकाओं के लिए रेडिएशन बहुत ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल इफेक्ट डालती है। हमें इस पे रेडिएशन डालनी है, इसकी इमेज बनानी है, तो हम इस पे रेडिएशन क्यों डालें? तो इसके लिए होता है कॉलिमीटर। कॉलिमीटर क्या करता है? ये फिक्स करता है एरिया। ये कौन सा एरिया फिक्स करता है? जहां पे रेडिएशन आएगी। कॉलिमीटर डिसाइडेड दिस एरिया वेयर रेडिएशन आर इंटरैक्ट। कहां पे रेडिएशन कितनी आ रही है? एक तरह से मान लो ये होता है ऊपर से रेडिएशन आ रही है, आप इमेजिन करो ऊपर से रेडिएशन आ रही है, और ये क्या है? बॉक्सेस है जो रेडिएशन को रोकते हैं, इन्हें जॉज कहते हैं, जॉज। अब देखो ये पूरी पैक हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि रेडिएशन सारी रुक गई। अब मुझे चाहिए एक इंग्लिश इतना खुल गया, इसमें था मल्टी लीफ कॉलिमीटर। हमें काफी सारे एंगल से ये कॉलिमीटर लगे होते हैं, हम चाहे जिस शेप के अंदर इस कॉलिमीटर को रिसाइज करके उस साइज के अंदर ही एक्सरे प्रोड्यूस, एक्सरे इंट्रैक्ट करवा सकते हैं। आया कुछ समझ में? कॉलिमीटर का यूज क्या है? कॉलिमीटर का एक ही यूज है, बिल्कुल आप दिमाग में इसको घुसा लो एकदम अच्छे से। कॉलिमीटर मतलब कि ये रेडिएशन की जो कितनी साइज पर, कितने एरिया पर रेडिएशन गिरेगी, ये डिसाइड कौन करता है? कॉलिमीटर। कैसे करता है आपको बता दिया, इसके अंदर जोज होते हैं। आप देखो ये कैथोड, ये एनोड, इससे रेडिएशन निकली, ये देखो ये बॉक्सेस आ गए। अब मुझे इतने पार्ट में रेडिएशन चाहिए, इतना आ गया। हमें ज्यादा पार्ट में चाहिए, ये पीछे हो जाएंगे, ज्यादा रेडिएशन आ जाएगी। तो एक तरीके से शेप ऑफ बीम साइज, जो बीम आ रही है एक्सरे बीम, इसकी शेप को डिसाइड करते हैं कितने पार्ट में कैसी शेप में एक्सरे चाहिए। तो ये काम होता है आपके कॉलिमीटर का, ठीक है। तो कॉलिमीटर का काम समझे इस वीडियो में हमने। अब आगे आगे एक एक करके और चीज समझते जाएंगे हम, इसके बाद एक कैसेट फिल्म जो भी है हमारे काम की चीज जिससे हम एक्सरे बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।